हेलो मॉमीज, वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है डिलीवरी। डिलीवरी जो है सुनते ही बिल्कुल जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है जिसका, बल्कि इनफैक्ट मैं कहती हूँ सेकंड एक्सपीरियंस भी होता है, वो भी एकदम से कांप जाते हैं कि भगवान क्या होगा, कैसे होगा, हम फेस कर पाएंगे या नहीं, बेबी कैसा होगा। तो अब मैं कुछ टिप्स आपको देने चाहूंगी। जैसे मेरी डिलीवरी थी तो मैं बोलना चाहूंगी इस बात को कि इतना ज्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस मेरे लिए नहीं रहा। मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा डिलीवरी का। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और फिर भी एक ऐसी डिलीवरी थी जिसमें मुझे इतना ज्यादा पेन जो है वो महसूस नहीं हुआ। तो मैं वही कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि कैसे ऐसी डिलीवरी हो सकती है और कैसे आप इस एक्सपीरियंस से गुजरे, कैसे इस एक्सपीरियंस में अपने आप को काम रखें, रिलैक्स रखें। तो सबसे पहले टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी वो है, अपनी मदर पे रिलाई करिए, मतलब किसी बड़े पे रिलाई करिए, चाहे वो आपकी मदर हो, मदर इन लॉ हो, बड़ी सिस्टर हो, जिनके बेबीज हो, क्योंकि वो लोग इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं, उन्हें सारी चीजें पता है। तो उनसे पूछते रहिए, टाइम टू टाइम पे सलाह लेते रहिए। मैं भी यही करती थी, अपनी मम्मी से भी पूछती थी, मदर इन लॉ तो मेरे साथ ही रहती है, उनसे भी सारी चीजें पूछ पूछ के खाती थी कि ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, बेबी के लिए नुकसान होगा क्या होगा। और ये एक्सपीरियंस मुझे काफी इस एक्सपीरियंस ने मुझे हेल्प किया। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ सब लोगों की जिन्होंने मुझे बताया ये सब। सबसे पहला टिप तो यही है जो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। ऐसे नहीं है कि आप अपने साथ ही लगे हुए हैं, अगर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है आप कहीं से सलाह भी नहीं ले रहे, ये गलत बात है। आप किसी बड़े से सलाह लीजिए जिनके अपने बच्चे खुद हैं। दूसरा आप बताना चाहूंगी मैं, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी चीज है प्रेगनेंसी में। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉपर योगा कीजिए, स्ट्रेच कीजिए बॉडी को, वॉकिंग भी एक एक्सरसाइज है। मैं प्रेगनेंसी के 9 मंथ तक, मतलब लास्ट डे तक, बहुत वॉक करती थी। मैं ऑफिस भी जाती थी, वहां भी वॉक करती थी, और वैसे भी रात को भी हाफ एन आवर तो मैं एटलीस्ट वॉक करती ही करती थी। तो उससे मुझे काफी हेल्प मिली। और उसके साथ ही मैं सीढ़ियां भी चढ़ती थी। मैंने सीढ़ियां चढ़ना प्रेगनेंसी में सही है या नहीं उसके ऊपर एक वीडियो की है, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। सीढ़ियां भी मैंने लास्ट तक काफी चढ़ी है और वो मुझे बहुत ही उसने फायदा किया इस चीज में, नॉर्मल डिलीवरी में। तो मैं कहना चाहूंगी कि ये चीज भी आप फॉलो कर सकते हैं एक पेनलेस डिलीवरी के लिए। उसके बाद अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, बाहर का खाने की थोड़ी कम कोशिश करिए। मन तो करता है, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि हमें ऐसा लगता है कि बाहर का खाओ, कुछ ना कुछ चटपट खाते रहो, लेकिन आपको प्रेगनेंसी में अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है और नहीं खाना है ज्यादा बाहर का। हेल्दी फूड खाइए जिसमें ज्यादा पोटेशियम हो, आयरन हो, फोलेट हो, जिन सब चीजों की प्रेगनेंसी में वुमेन को बहुत जरूरत होती है। नेक्स्ट टिप है, पानी ज्यादा पीजिए। बॉडी जो है प्रेगनेंसी में डिहाइड्रेटेड हो जाती है, पानी की बॉडी को बहुत जरूरत होती है। अगर आप पानी ज्यादा पियेंगे तो एकदम फ्रेश भी रहेंगे, आपको एक अच्छी सी फीलिंग आएगी और आपकी बॉडी भी बहुत हाइड्रेटेड रहेगी। और प्रेगनेंसी में और नॉर्मल डिलीवरी में और एक पेनलेस डिलीवरी में बहुत ज्यादा जरूरी है पानी पीना। उसके बाद बस ये बात अपने दिमाग में रखिए कि सबकी डिलीवरी होती है, सबके बच्चे होते हैं, जब सबने ये फेस क्रॉस कर लिया तो हम भी कर लेंगे। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, काम रहिए। मुझे लास्ट तक भी, जब मैं डिलीवरी बेड पे थी, इवन लेबर रूम में थी, तब तक भी मुझे कोई टेंशन नहीं थी बिल्कुल भी। मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स था, मुझे पता था कि ये पेन जो है कुछ टाइम के लिए है, फिर लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बेबी मेरी लाइफ में आ जाएगा और सब बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स और मैं बिल्कुल काम थी, मुझे जरा सा भी डर नहीं लगा। तो वो माइंड सेट आपको लेके आना है डिलीवरी से पहले। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी सारी मेडिसिन जो है वो टाइम पे लीजिए। दवाइयां बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी में। आधे लोग मैंने सुना है आयरन नहीं खाते, फॉलिक एसिड नहीं खाते, फेंक देते हैं, उन्हें नहीं अच्छा लगता दवाइयां, लेकिन दवाइयां बहुत जरूरी होती हैं। और डॉक्टर जो है काफी प्रिस्क्रिप्शन से ही दवाइयों को देता है, उसे पता होता है कौन सी दवाई प्रेगनेंसी में चाहिए कौन सी नहीं। तो प्लीज उसे फेंकिए मत, या ऐसा मत कीजिए कि आप नहीं खा रहे हैं, उसको जरूर खाइए। वो बहुत हेल्प करेंगी आप की डेफिशिएंसी कम करने के लिए बॉडी की और बेबी को भी हेल्दी रखने के लिए। तो ये कुछ मेरे टिप्स थे पेनलेस डिलीवरी के, फॉलो कीजिए, मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रहे। आराम से एक्सपीरियंस जो है वो निकल गया, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, कोई डर नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल रिलैक्स माइंड। क्या पता ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे आने वाली वीडियोज में। बाय बाय।